बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत द्वारा बड़वानी जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, जुआ, सट्टा, मादक पदार्थ के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी क्षेत्र से अवैध शराब के परिवहन को रोकने हेतु एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम करी खाई खोदरा फालिया में नर्मदा नदी तट पर बने आरोपी करण के मकान पर पहुंचकर करण को हिरासत में लेकर पूछताछ की एवं उसकी निशानदेही पर उसके कब्जे की बोट की तलाशी ली, जिस पर आरोपी करण की बोट से कुल 141 पेटी अंग्रेजी शराब, कुल शराब मात्रा 1281.6 लीटर जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 5,62,480 रुपये बताई जा रही है एवं दो फाइबर बोट भी जब्त की गई हैं। पार्टी थाना क्षेत्र में मुंबई की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी, उसमें 141 पेटी शराब पकड़ी गई है जो करीब 5 लाख से अधिक की है और उसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इस अवैध धंधे से जुड़े 4 आरोपी उसमें फरार हैं जिसकी पुलिस को तलाश है, उनकी भी पुलिस गिरफ्तारी करेगी। सर किस तरीके से माल की अफरा तफरी करते थे ये लोग? ये जो 4 लोग फरार हैं इनका परिवहन का रहता था, ये लोग अवैध रूप से शराब लाते थे और चूंकि पार्टी क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे से लगा हुआ है तो ये बोट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वहाँ तक पहुँचाते थे और पार्टी और सिलावत सहित में इसकी बिक्री करते थे, तो पुलिस को सूचना पर पुलिस ने दबिश दी तो नर्मदा के किनारे बोट से जो है ये शराब जब्त हुई है और इसमें जब आरोपियों से पूछताछ की तो पूरा इस मामले का खुलासा हुआ।